हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। गर्मी तो बहुत पड़ रही है, मगर मैं इस लड़की से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। देखिए, देख लिया अभी इसने, चुपचाप से दिखाती हूँ कर क्या रही है किचन में। मतलब इस टाइम पे कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है, इसने पागल बना रखा है। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। ये देख रहे हैं एसी चल रहा है, अभी फ़ैन मैंने ऑफ किया है कि आवाज़ नहीं आती। मैंने धीरे से इसकी चोरी पकड़ने के लिए वीडियो बनाई है। ये देखिए, इसकी चोरी मैं पकड़ती हूँ, क्या पता पता चल गया होगा तो ये बिग बॉस की आंखें पता है ना, हर जगह है। और दूध उबाल रही थी कि दूध ठंडा करके इसको कस्टर्ड दूंगी ठंडा ठंडा, मगर इसने क्या किया है, बहुत परेशान हूँ बेटा मैं आपसे, सच बता रही हूँ। देखो कैसे टहल गई कोई, और निकाल के किसके लिए, मेरे लिए रखा। हाँ। आपने पियोगे? मैं तो पी चुकी। हाय राम, कितनी गब्बर लड़की है, देखा आपने। ये मैं सोच रही हूँ इसको हेल्दी हेल्दी चीज़ें दूँ, मगर इसने पिया तो खैर बहुत दिन बाद है। बहुत नालायक लड़की हो गई है। मैंने टॉप उठा देख लेना यार, सच में मैं परेशान हो गई मुन्नू आपके इस घर में। पहली बार थोड़ी ना परेशान हो, बचपन से परेशान हो। हंस रही है। पहले भी कहती थी हाँ मैं छोरी सब बट परेशान थी। अब थोड़ा और हो जाओ। उसके बाद कुछ नहीं, फिर नन्हे मुन्ने से परेशान मैं तो छोड़ के चली जाऊंगी। इतनी गर्मी है, मैं तो पेट में दर्द। हाँ। सर में दर्द। गर्मी की वजह से ना मैं आधी पागल हो चुकी हूँ। सही, ये तो सही कह रही है ये लड़की। नहीं पूरी, आधी तो थी। बहुत गर्मी है। आप भी कोल्ड ड्रिंक पियो। मैंने कोल्ड ड्रिंक निकाला, रहा नहीं गया, पहले पी लिया फिर मम्मी के लिए निकाला। बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रखी है। मेरा मन था लिमका पीने का, मैंने आज मॉर्निंग में ना उठते ही केले खा लिए। डेली खाती हूँ लेकिन आज एसिडिटी जैसा सा लग रहा था केले खाने के बाद। फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया तो मेरा मन था कि मैं लिमका पीऊँ, पर था नहीं। क्यों हंसी आ रही है? फिर कहूँगी पीने वाली है, फिर से कुछ पीने। वही मैं देख रही हूँ, स्क्वैश है ये तो, अच्छा होता है। बहुत नालायक लड़की है। खाने के लिए कुछ भी बोल दो नहीं, खाली पीना। मैं भी बहुत पागल हो चुकी हूँ, पगला चुकी हूँ बेटा। गर्मी गर्मी सुन सुन के, गर्मी सुन सुन के। एक ग्लास देख लो, यहाँ मुझे रिश्वत दी जाती है हर चीज़ में। चलो पी लेते हैं रिश्वत को, इस वाले को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेकअप करके बैठी हूँ। हुआ क्या, एक साड़ी थी जो रिसीव हुआ था हमें पार्सल, उसका कोलैबोरेशन करना था इंस्टा पे, तो मैंने यहाँ पे तैयार हो के। हम आ चुके हैं बाहर, रील बनाते बनाते थक गए थे तो मामा जी का कॉल आया कि चलो चलते हैं मंदिर। बहुत जाने माने बजरंग बली है, बजरंग बली उनके मंदिर जा रहे हैं हम तो। यहाँ पे मिठाई लेने के लिए, लड्डू लेने के लिए रुक गए और सभी बैठे हैं गाड़ी, छोटी सी हमारी गाड़ी, और हम लोग घर घर जा रहे हैं। इस लड़की से ना मैं सुबह से परेशान हूँ, सच में आज बहुत परेशान हूँ इससे। और परेशान होते होते देखो कितने अच्छी जगह आ गए हम, जहाँ पर ये सुंदर सुंदर से पौधे हैं जंगली, जिसमें जंगली फूल हैं। और ट्यूबवेल देखो, ट्यूबवेल देख के देखो ना, इसका मन ललचा रहा है ट्यूबवेल देख के। हेलो फ्रेंड्स, लेती वीडियो कॉल कर ली थी, ये नया नया मैंने लिया है तो मैं तो पहन के नहीं आऊंगी। हम एक गांव में आए हैं, बाबू गिर जाओगे ऐसे नहीं करो। इधर आओ ना मम्मी, जल्दी जल्दी आया करो। मम्मी अब नानी हो चुकी है, कैसे थोड़ा इधर आओ, कितने अच्छे फ्लावर्स लग रहे हैं इधर देखो। हाँ बहुत उधर चले गए, बीच में सेंटर में खड़े हो। हाँ गर्दन नीचे। हाँ गाँव में आके बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है
यहाँ देखो वो और नहीं है। ये पीछे वाली वॉल है ना स्कूल की वॉल है जहाँ पर। अच्छा यहाँ पे नोट किया वैसी ह्यूमिडिटी नहीं है, जैसे नहीं है। हाँ। बिल्कुल नॉर्मल वेदर है। हाँ आ गए हम बजरंगबली के मंदिर और चलिए। यहाँ आ चुके हैं मंदिर में। मंदिर में बजरंगबली को प्रणाम किया और जो मान्यता बजरंगबली से मानी थी वो पूरी हो चुकी थी, तो उनको हमने प्रसाद चढ़ाया और बोला कि हमारी मन्नत जो है आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर दी है और इसीलिए हम आपके दर्शन करने फिर से आए हैं और भी आगे हनुमान जी कुछ मन का समोसे वाला ना बने वो भी पूरी हो जाए तो हम आएंगे। तो भी यहीं पे मैंने स्कूल ओपन किया था इसी गांव में। ये हमारे घर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है, लोनी में पड़ जाता है ये, मगर सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर ही है, विलेज एरिया ही है यहाँ पे। अच्छा सा प्लॉट पर अच्छे लोग हमारे थे जिनके साथ हमने पार्टनरशिप किया था। यहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद मामा जी को तो पता ही है, जहाँ जाते हैं उनको कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो मिथिला के ही पंडित जी थे ये। प्रसाद हम लोगों ने चढ़ाया और फिर मैं आप लोगों को अपने स्कूल में ले चलूँगी, आप लोग बने रहिए मेरे साथ एंड तक। स्कूल देखिएगा मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा था, लॉकडाउन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और कर ही कह सकते हैं, विधि का विधान है, जो उनको जो बजरंगबली की इच्छा वही होती है ना। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद हम वहीं पहुँचेंगे, वहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी हर चीज़, आंटी से भी मिलवाऊँगी। आंटी भैया बहुत अच्छे स्कूल के लोगों से, क्या है स्कूल के जो भैया लोग हैं यानी जिनकी प्रॉपर्टी है उनसे हमारे बहुत ही अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, तो हम कभी भी बेधड़क बेहिचक, वो लोग भी आते हैं हम लोग भी जाते हैं और लगता ही नहीं है कि हम लोगों का कोई कनेक्शन ना हो। तो यहाँ पर पंडित जी से देख लीजिए आप मामा जी कितना बतियाने लगे और इधर इतनी बच्चे परेशान हो रहे थे हम कब जाएंगे बुआ खेलने, तो देखिए बगल में ही था, बैक साइड में ही मंदिर है, कभी जाते नहीं है वैसे, तो आज मौका मिला चले गए। और यहाँ पर देखिए क्या ही कंडीशन हो रखी है, एक तो बरसात ऊपर से घास वगैरह। यहाँ भैया ने ना स्कूल जब हमारा बंद हो गया लॉकडाउन में हर चीज़ के पौधे वगैरह लगा दिए हैं, पेड़ लगा दिए हैं, कुछ तो यहाँ पहले से थे। अब इसके आगे जो देख रहे हैं ना बाउंड्री के उस साइड स्कूल है, सामने जो येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है स्कूल था, और ये जो ग्राउंड दिख रहा है जहाँ पे ये है बेल वगैरह लगी हुई है, ट्रैक्टर खड़ा है, ये पूरा हमारा ग्राउंड था। तो हमें लगता ही नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, आके आराम से हम लोग यहाँ पे अपना करने लगते हैं। भैया लोगों को भी लगता है कि नहीं हम लोग आते रहे, मगर नहीं हो पाता है। अब अंकल जी भी अपने रूटीन में लग गए हैं, गोलू भी अपने रूटीन में है, ड्राइवर नहीं है, मैं आ नहीं पाती हूँ। और ये देख लीजिए मामी जी अपना नींबू तोड़ रही हैं, हमने पुदीना लिया, नींबू लिया, अनार लिया, यहाँ से साग लिया जो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, एक साग होता है यहाँ पे, और खूब सारे अमरूद तोड़े, हालांकि ये कच्चे कच्चे थे मगर टेस्ट बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर खूब सारी बातें की हमने, यहाँ मैंने स्कूल रन किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि हमने 19 में स्कूल रन किया था, 19-20 में, और यहाँ पे लॉकडाउन हो गया, इसके बाद हम घर पहुँच जाएंगे। ये जो देख रहे हैं आप इन्हीं के साथ मैंने किया था, बहुत ही पढ़ी लिखी है लगता नहीं है मगर आंटी पढ़ी लिखी है, और मैंने और आंटी ने मिलके स्कूल चलाया था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। इसके बाद मिलने जुलने के बाद चाय पानी हुआ, लस्सी वगैरह हुई, चाय वगैरह हुई, उसके बाद हम घर पहुँच जाते हैं। बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग में।